बस आने ही वाला है कारुसो का। ओ वेलकम जी वेलकम। ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई तुहानू? बिल्कुल नहीं कैप्टन, आसपास का नजारा इतना अच्छा है कि पता ही नहीं चला कब सफर कट गया। ए गल तो सही दसी, जगह बड़ी चंगी है। आप कैसी हैं पावी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुसी हो गए नन्हे शैतान, तुहाडा नाम की है? राजू। ओ तो चलो सब अंदर, परमिंदर सब दे ले खाना तैयार कर रही है। चलो बेटा आओ जी आओ, गर्मा गर्म खाना तैयार है। ओहो परमिंदर, पहले जान पहचान तो कर ले। ओ जी हेलो हाय तो होती रहेगी, पहले खाना एक साथ खाएंगे, जान पहचान तो आप ही हो जानी है। आ, स्वामी हा? कल सवेरे सवेरे असी एक्सपेरिमेंट शुरू कर दवांगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। संध्या, यहाँ थोड़ी दूरी बहुत ही बढ़िया ब्यूटी पार्लर खुला है। ब्यूटी पार्लर? कल दिन की शुरुआत वहीं से करेंगे, उसके बाद तो पूरा दिन खाना बनाने में निकल जाएगा। सब चले जाएंगे, मैं अकेला घर पर क्या करूँगा? ओ जी देखो, सब अपने अपने में लग गए, बेचारे राजू को तो भूल गए। नन्हे शैतान तू फिक्र ना कर, तेरे टाइम पास नहीं, मेरे पास बहुत ही बढ़िया चीज है। ओ तो कल ही बताऊंगा भाई, थोड़ी एक्साइटमेंट जैसी चीज भी तो होनी चाहिए ना लाइफ में। क्या कर रहे हो मोबी? छुट्टियां हैं, सोने दो ना। वो गए कैप्टन केशव तुम्हें कुछ देने वाले हैं आज सुबह। ओ हाँ चलो जल्दी। ओ आ गए तुसी, छा गए तुसी। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? बेटा कितनी बार आवाज लगाई, तुम उठे ही नहीं। ओए कोई गल नहीं, बेचारा थक गया होगा कल के सफर से। कैप्टन अंकल आप मुझे कुछ देने वाले थे ना? ओ हाँ, दिमाग तो निकल गया मेरे। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। कोई मामूली साइकिल नहीं है नन्हेस्तान, इसका नाम है गम मिरेकल। इसके टायर्स में ग्रेविटी गम लगा हुआ है जिससे ये सीलिंग पर भी चल सकती है। इसमें रॉकेट बूस्टर भी है, ये देखो, और ये उड़ भी सकती है। और ये हैगी है पायरो गन। हंसा हंसा के हालत खराब कर देगी। कैप्टन इसका बदला लूंगा तुम्हें अपने जोक सुना सुना के। ओ जी मैं भी तो उसी बात का बदला ले रहा हूँ, कॉलेज में तू अपने जोक सुना के हंसा हंसा के जान ले लेता था। और क्या क्या है? बबल गन। हम इस तरह अपने दुश्मन को बबल में कैद कर सकते हैं। दोबारा शूट करो आवाज। और सबसे खास बात, इसमें लेजर एक गन भी है। चक दे फटे नन्हे शैतान, बस याद रखियो किसी को चोट छोट ना लग जाए। आप उसकी फिक्र मत कीजिए कैप्टन अंकल। और हाँ जल्दी घर वापस आ जाना, लेकिन पहले ये पहनना मत भूलना। चलो मोबी। से सेट करा के आ रही हूँ। ओ हाँ,
अबोध बहुत अच्छे लग रहे हैं। सच कह रहा हूँ, पापा तो फिदा हो जाएंगे। ये कैप्टन केशव की साइकिल है क्या? हाँ। और तुमने पहले ही बार में इसका कचुम्बर निकाल दिया। ओए जाने भी दो संध्या, ये नहीं तोड़ता तो वो ही तोड़ देते। इन साइंटिस्टों का तो यही काम है, एक बनाते हैं दो बिगाड़ देते हैं। कितना बड़ा हो गया है, कैसे हो राजू? आंटी, किमी कहाँ है? किमी! वाओ, कितनी प्यारी है, ये कभी कोई शरारत नहीं कर सकती। बोले चेहरे पर मत जाओ चिकी। हाय राजू। हाय गाइस। हाय। मोबी, शायद ये बदल गई होगी, प्लान को रोक देते हैं। अरे राजू, तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, खासकर तुम्हारे सर के ये दो बाल। Come on, राजू बेटा, मजाक था बस। प्लान जारी है दोस्तों। नाश्ते के लिए आ जाओ बच्चों। हाँ मम्मी, मैं ये पेज खत्म करके ये किताब अपने रूम में रख कर आती हूँ। तुम किसके टीम में हो मोबी? क्या है राजू? जैसे ही किमी अपनी बुक रखने रूम में आएगी, मैं उसे अचानक से डराऊंगा, डर के वो फंस गिरा देगी। फिर हम जल्दी से भाग जाएंगे, तब पकड़ी जाएगी किमी। मोबी, चिकी, देखना यहाँ कोई ना आए। क्या थी? वो किमी। अरे क्या हुआ? तुम फिर से घर में दौड़ रहे थे राजू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम गिर जाओगे या फिर घर की कोई चीज टूट जाएगी, कहा था ना मैंने? सॉरी अंकल। अरे कोई बात नहीं बेटा, पर जरा ध्यान से रहना। हाँ हाँ चतुर्वेदी, मैं राजू की तरफ से माफी मांगता हूँ।